लाइव कुकिंग आपके सामने की है मैंने, और इधर मैंने जो है ना कोयला जलाना शुरू कर दिया है। कोयला जो है ना इधर जल रहा है, और इधर से हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना, ठीक है। और ये मैं इसको साफ कर लूँ। सॉरी हमारा नेट जो है ना थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को चिकन कढ़ाई की जो है ना मैं दिखा दूँ, एलसीडी की निकाल दूँ लीड भी, चिकन कढ़ाई की मैं वो शक्ल दिखा दूँ। और इधर जो है ना हमारा कोयला जो है ना वो चल रहा है, और चिकना कहाँ है, बहुत सारे मेहमानों के लिए जाना है, कुछ अच्छा कर, बहुत सारे मेहमान हैं, गर्म इसे खाने गर्म गर्म ही है, थोड़ा देसी घी मुँह दिला लेना। मंसूर जो है ना हमारे साथ शुरू से माशाल्लाह स्टार्ट लाइव से डेढ़ घंटे से मेरे साथ हैं, आपका सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतनी ज़्यादा सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। देवर आई होप कि आपको पीसीएस का ट्रीटमेंट का डाइट पता चली होगी, और ये डाइट रूटीन में रखनी है। इसके अलावा बीट रूट, कद्दू, चिकन, ये जो सेब और गाजर का जूस इस मौसम में लाजमी पीना है, और जो जो उसमें जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होता है उसमें जो साइकिल होता है उस दौरान नहीं पीना। दैट्स इट। बहुत मजेदार कावा बना, थैंक यू वेरी मच इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने का। अब ये इसका बस पानी कोशिश करना है, हमने फूल चूल्हा कर लिया, मैंने जो दही ने पानी छोड़ा पहले हल्की आग पे इसलिए रखा कि जो है ना इतनी मजेदार खुशबू आ रही है, ताकि जूसी बने और ज़्यादा नरम बने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नमक चौकूँगी क्योंकि मुझे इसका नमक थोड़ा सा तेज़ चाहिए, मैंने इसके ऊपर प्याज और टमाटर गार्निश करने हैं, ठीक है, मेरे प्याज और टमाटर इस पर गार्निश करने हैं, इसलिए मुझे इसका नमक थोड़ा सा तेज़ चाहिए, क्योंकि प्याज टमाटर जब जाने हैं दम में तब इसका नमक कम हो जाना है। बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है। अंदाजे से बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ। ये चिकन इतना मज़ेदार बनता है, दिल करता है कि ना इसकी बोन्स भी जो है ना मतलब खा ले, वैसे ना मसाला अंदर तक रच बस जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें।